हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम डूइंग एक्सरसाइज 2.2 क्लास नाइन्थ चैप्टर टू इज पॉलिनोमियल्स तो इस क्वेश्चन के एट्स सब पार्ट्स हैं सभी एट्स सब पार्ट्स मैं इसी वीडियो में करूँगा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम जैसे ये पोलिनोमियल दे रखा है तो आपने ये चेक करना है कि x इक्वल टू माइनस वन पॉइंट थ्री इस पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं तो आपने एक पार्ट देखना आपको सारे पार्ट इजीली समझ आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर वन से इसका फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं थर्ड का पार्ट नंबर वन राइट तो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल आपको दे रखा है थ्री एक्स प्लस वन राइट आपने इसको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन्ट थ्री पर तो पी ब्रैकेट में जहां एक्स था वहां पर माइनस वन अपॉन्ट थ्री लिख दो थ्री को थ्री मल्टीप्लाइड इस एक्स की जगह आपने माइनस वन अपॉन्ट थ्री लिखा प्लस वन थ्री के साथ थ्री कैंसिल कर दो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन की वैल्यू क्या होती है जीरो तो जब वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो आपने कैसे लिखना कि सिंस पी ऑफ माइनस वन अपॉइन्ट थ्री हैज़ कम ज़ीरो पी ऑफ माइनस वन पॉइंट थ्री कितना आ गया जीरो आ गया तो आप लिखोगे कि देयर फोर एक्स इज़ इक्ल टू माइनस वन अपॉइंट थ्री इज जीरो ऑफ़ पी एक्स इसका मतलब ये है कि जो आपको ये एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट थ्री दिया है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसकी जीरो होगा जीरो मतलब रूट होगा रूट मीन्स वैल्यू होगा राइट इसी तरह से पार्ट नंबर टू करते हैं पार्ट नंबर टू में जो पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स दिया है इन्होंने फाइव एक्स माइनस पाई पाई की वैल्यू आपको यहां पुट करने की जरूरत नहीं है और x की वैल्यू दे रखी है फोर अपॉन फाइव राइट तो आपने क्या करना P ऑफ फोर अपॉन फाइव फाइंड आउट करना है फाइव को फाइव लिख दो इनटू एक्स की जगह आपने फोर अपॉन फाइव लिखा माइनस पाई फाइव और फाइव को कैंसिल कर दो यू आर लेफ़्ट विद फोर माइनस पाई तो क्या फोर माइनस पाई ज़ीरो के इक्वल होता है नहीं होता तो आप कैसे लिखोगे सिंस पी ऑफ फोर अपॉन फाइव नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं है इक्वल टू जीरो क्योंकि इसकी वैल्यू फोर माइनस पाई आ रही है तो देअर फोर एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स ये पी ऑफ एक्स की जीरो नहीं होगा राइट right? अब करते हैं पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर थ्री में आपको पी ऑफ एक्स दिया है उसने क्वेश्चन में एक्स स्क् माइनस वन अब एक्स की इसमें दो वैल्यूज दी दिए एक वन और एक माइनस वन तो दोनों पे फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू वन तो पी ऑफ वन क्या आएगा यहां पुट कर दो वन का स्क्वेयर माइनस वन वन का स्क्वेयर वन होता है माइनस वन ज़ीरो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि सिंस पी ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू वन इज ज़ीरो ऑफ पी एक्स तो वो पी ऑफ एक्स की क्या होगी ज़ीरो होगी अब दूसरा जो नंबर उसने दिया है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन दिया है तो आप p ऑफ माइनस वन फाइंड आउट करो जहाँ x था वहाँ माइनस वन पुट किया आपने माइनस वन का स्क्यर माइनस वन माइनस वन का स्क्वेयर यानी कभी भी इवन नंबर पावर हो तो प्लस बन जाता है तो ये बना वन माइनस वन यानी ज़ीरो भी ज़ीरो बन गया तो आप क्या लिखोगे कि सिंस p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो देअर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज जीरो ऑफ पी एक्स तो वो पी ऑफ एक्स की जीरो होगी राइट right? अब इसका फोर्थ सब पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का फोर्थ सब पार्ट करेंगे इसमें जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिया है वो है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इसमें भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं एक एक्स माइनस वन और एक एक्स टू है तो एट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन पी ऑफ माइनस वन करते हैं एक्स जगह माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस वन प्लस वन बना ज़ीरो माइनस वन इंटू माइनस टू बना माइनस थ्री तो ज़ीरो इंटू एनी थिंग इज ज़ीरो तो आप लिखोगे सिंस पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज जीरो ऑफ पी एक्स किसकी ज़ीरो हो होगी वो पी ऑफ एक्स की अब जो दूसरा पॉइंट है वो टू दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू टू तो आप पी ऑफ टू फाइंड आउट करेंगे एक्स प्लस वन मीन्स टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू मीन्स टू माइनस टू तो टू प्लस वन थ्री होता है टू माइनस टू जीरो तो थ्री इंटू जीरो क्या आ गया जीरो तो आप लिखोगे सिंस पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू टू इज ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं स्टेप वाइज करते चलो इजीली क्वेश्चंस निकलते जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट इसी थर्ड का पी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है इसमें एक्स तो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो P ऑफ जीरो क्या हो जाएगा ज़ीरो का स्क्र ज़ीरो का स्क्र तो ज़ीरो ही होता है तो आप लिखोगे सिंस P ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज ज़ीरो ऑफ पी एक्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो है वो पोलिनोम गिवन पोलिनोमल की ज़ीरो है यानी रूट है सिक्सथ पार्ट पी ऑफ एक्स आपको दे रखा है एल एक्स प्लस एम राइट अब इसमें एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इसके ऊपर चेक करना है तो आपको क्या करना है ये एक्स की वैल्यू पुट करनी है जहां जहाँ एक्स है तो पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ ये माइनस एम अपॉन एल कर दिया एल का एल रहेगा मल्टीप्लाइड एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल लिख दो प्लस एम एल और एल को कैंसिल कर देंगे माइनस एम प्लस एम रहा और ये आ गया जीरो राइट तो आप लिखोगे सिंस पी ऑफ माइनस एम ओवर एल इज इक्वल टू जीरो तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स राइट अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर सेवन थर्ड का पार्ट नंबर सेवन ये पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू है थ्री एक्स स्केर माइनस वन ये पार्ट आपने ध्यान से देखना है इसमें भी एक्स की दो वैल्यूज है एक माइनस वन अपॉन रूट थ्री दी है तो यहाँ पर करेंगे आप पी ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन रूट थ्री तो ये आ जाएगा थ्री इंटू एक्स स्केयर है तो माइनस वन ऑन रूट थ्री का स्केयर आ गया माइनस वन थ्री माइनस वन का स्केयर जो है वो प्लस हो जाता है वन और अंडर रूट थ्री का स्केयर जो है वो थ्री होता है माइनस वन थ्री थ्री कैंसिल वन माइनस वन यानी जीरो तो आपके पास पी ऑफ माइनस वन पॉन अंडर रूट थ्री की वैल्यू जो है वो क्या आ गई ज़ीरो तो आपने लिखना ये कि सिंस पी ऑफ माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री इज जीरो ऑफ पी एक्स तो ये पॉलिनोमियल की जीरो होगी राइट right? अब आप एट एक्स इक्वल टू अगला नंबर जो दिया उसने वो टू अपॉन रूट थ्री दी है टू अपॉन रूट थ्री अब आप टू अपॉन रूट थ्री के ऊपर चेक करोगे सेम चीज तो पी इन द ब्रैकेट टू ओवर रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र था तो थ्री इंटू टू ओवर अंडर रूट थ्री का स्केयर माइनस वन तो थ्री को आप थ्री लिख दो टू टू जर फोर अंडर रूट थ्री का स्केर क्या होता है थ्री होता है माइनस वन थ्री थ्री को कैंसिल कर दो क्या बचा आपके पास फोर माइनस वन और फोर माइनस वन होता है थ्री राइट right? तो आपके पास ये है या पी ऑफ टू ओवर रूट थ्री जीरो के इक्वल तो नहीं है ना ये तो आप लिखोगे सिंस पी ऑफ टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरोक्स इक्वल टू टू अपॉन अंडर रूट थ्री इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स पी ऑफ एक्स ये पॉलिनोमल की जीरो नहीं है राइट right? अब पार्ट नंबर एट करते हैं पी ऑफ एक्स पॉलिनोमिल इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन और x की वैल्यू है वन पॉइंट टू एट x इक्वल टू वन पॉइंट टू चेक करेंगे इसके ऊपर p ऑफ वन बाई टू क्या बनेगा टू इंटू एक्स है तो टू इंटू वन बाई टू प्लस वन टू टू कैंसिल वन प्लस वन वन प्लस वन इज़ इक्वल टू टू और टू तो ज़ीरो के इक्वल होता नहीं तो आप लिखोगे सिंस पी ऑफ वन बाई टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देयर फोर एक्स इक्वल टू वन बाई टू इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स ये पी ऑफ एक्स की ज़ीरो नहीं है तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन नंबर थ्री के एट के एट पार्ट सॉल्व कर दिए आपको कितने अच्छे से समझ आए आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में दें वीडियो को लाइक करें और सभी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें लिंक को चैनल के लिंक को उनको बोलें सब्सक्राइब करें ताकि उनको अननेसेसरली ना होना पड़े कि कोई क्वेश्चन छूट गया दिस एंड दैट सभी क्वेश्चंस उनके टाइम टू टाइम होते रहे थैंक यू